भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए सभी विधानमंडल मराठा समुदाय के साथ है, लेकिन ओबीसी से आरक्षण न देने के पीछे पवार साहब और विपक्ष की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, इसलिए छगन भुजबल की पहल सही है। सभी दलों को शरद पवार से मिलना चाहिए और इस सामाजिक मुद्दे पर मदद करनी चाहिए। ओबीसी यानी मराठा या दोन समाजामध्ये जे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे, ते दिलं पाहिजे, त्याकरता महाराष्ट्राचे सर्वच पक्ष आणि सर्व विधिमंडळ मराठा समाजाच्या पाठीशी आहे, पण सोबतच ओबीसीतनं हे आरक्षण देऊ नये याकरता पवार साहेबांची, शरद पवार साहेबांची आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची भूमिका आहे, पण ती स्पष्टपणे येत नाही। आणि त्यामुळं छगन भुजबळ साहेबांनी घेतला पुढाकार योग्य आहे, ते शरद पवार साहेबांशी भेटून या सामाजिक प्रश्नावर सर्वच पक्षांनी मदत करावी, शेवटी महाराष्ट्राच्या सामाजिक सलोखा कायम राहावा याकरता घेतलेला पुढाकार आहे। आणि त्यामुळं छगन भुजबळ साहेबांची विनंती शरद पवार साहेब मान्य करतील असं मला वाटतं। विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, उससे पहले विधानसभा की सीटों पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, साथ ही लोकसभा में हार को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उसी बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा है कि नीलेश लंके अहमदनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, मैंने इस संबंध में भाजपा नेताओं से चर्चा की थी, लेकिन ये सीट बीजेपी की थी और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, इसलिए वह शरद पवार के पास गए। साथ ही अजीत पवार नवाब मलिक को विधानसभा का टिकट देंगे। इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए चुप्पी खोलते हुए उन्होंने अजीत पवार के दावे का जवाब दिया है, जहां चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि महायुति का फार्मूला तय हो गया है, जीत के मानदंड और सीटिंग जगह पर अधिक जोर दिया जाएगा, कौन सी सीट किसकी है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट जीतना है। अजीत पवार ने सुजीत विखे को लेकर ये बात कही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सुजय विखे सांसद थे, उस बिंदु पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है, चूंकि वहां की सीट भाजपा के पास थी, इसलिए बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। सुजय विखे ने बेहतरीन काम किया है। अजित दादा रायला प्रश्न अजित दादांचा, तो अजित दादांची पक्ष आहे, त्यांना आपले सर्वेक्षण करायचा अधिकार आहे, 288 जागावरी त्यांचं सर्वेक्षण त्यांनी केलं पाहिजे याकरता कोणाचं दुमत नाही आहे, पण आमचा महायुतीचा एक फॉर्म्युला आहे की ज्या ठिकाणी जो जिंकून येईल आणि खऱ्या अर्थाने ज्या सिटिंग सीट आहे त्या सिटिंग सीटमध्ये कशी जास्त आम्ही महायुती ताकद लावून लढू आणि जिंकू याकरता जास्त आम्हाला प्रयत्न करायचे आहे। कोणती जागा कुणालापेक्षा जागा जिंकणे महत्त्वाचं आहे, आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की आम्ही या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं प्रदर्शन करू आणि महायुती जिंकू। विखेंनी लंकेनं त्रास दिला म्हणून ते तिकडे गेलं असं म्हटलं जातं, असं आहे की आता सुजय विखे हे सिटिंग खासदार आहेत होते, त्यामुळं सिटिंग ज्या ठिकाणी खासदार आहे त्या ठिकाणी काही अशा चर्चेला अर्थ नसतो। सुजय विखेने उत्कृष्ट काम केलं आहे आणि मग त्या ठिकाणी राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब पालकमंत्री आहेत, त्यामुळं सिटिंग सीट भाजपची असल्यामुळं त्या ठिकाणी अदलाबदलीचा प्रश्नच नव्हता, येतही नाही। सिटिंग सीटवर साधारण आम्ही कॉम्प्रोमाइज करतो की बाबा जो सिटिंग असेल त्याला प्राधान्य देतो, त्यामुळं आता जर तरला जीवनामध्ये अर्थ नसतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।